बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नवभारत के पास ईडी की चार्जशीट की कॉपी, एसएससी भर्ती घोटाले में ईडी की चार्जशीट की कॉपी जो है वो नवभारत के पास है। 14,000 पेज के ये दस्तावेज हैं। चार्जशीट में अर्पिता पार्थ चैटर्जी का नाम है। चार्जशीट में 6 कंपनियों के नाम भी हैं। पूछताछ लगातार जारी है। गिरफ्त में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, लगातार उनसे सवाल जवाब एसएससी घोटाले को लेकर किए जा रहे हैं। और नवभारत के पास ईडी की चार्जशीट की वो कॉपी है जिसमें ये सारी चीजें जो हैं वो बताई गई हैं कि आखिर कैसे ये पूरा का पूरा घोटाला होता है। 14,000 पेज का ये दस्तावेज है। 6 कंपनियों के इसमें नाम शामिल हैं। ये तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो कॉपी है चार्जशीट की जिसमें आप देख सकते हैं सारे जो जिक्र यहां पर किए गए हैं उन कंपनियों के जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने घोटाला यहां पर किया है, जो करीबी यहां पर रहे पार्थ चैटर्जी के, अर्पिता मुखर्जी के लगातार बयान यहां पर दिए जाते रहे कि जो कैश बरामद हुआ वो उनका नहीं है। हाल फिलहाल आपको याद होगा वो बैंक यहां पर सामने आए थे जिनसे करोड़ों का कैश जो है वो भी बरामद हुआ था। अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, 14,000 पेजेस की पूरी चार्जशीट, कौन कौन से अहम बिंदु जो है वो इसमें जिनका जिक्र? जी बिल्कुल, अगर चार्जशीट की बात किया जाए तो इसमें साफ तौर पे ये बताया गया है कि किस तरीके से ये पूरा स्कैम हुआ और स्कैम जिस तरीके से हुआ उसके बाद किस तरीके से धन जो है वो का जो मनी का जो ट्रेल है वो किस तरीके से हुआ। अगर एक्यूज की लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें साफ तौर पे एक्यूज नंबर 1 पार्था चटर्जी, एक्यूज नंबर 2 अर्पिता मुखर्जी, साथ ही साथ जो कंपनियां हैं जिसमें खुद डायरेक्टर हैं अर्पिता मुखर्जी, अक्षय एंटरटेनमेंट की बात किया जाए, अनंता टेक्स प्राइवेट लिमिटेड की बात किया जाए, सिम्बोसिस मर्चेंट्स की बात किया जाए, ये तमाम वो कंपनियां हैं जिसकी कहीं न कहीं अर्पिता जो थी वो निदेशक रही है। और साफ तौर पे हमने देखा था कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से रेड किया गया था खासतौर पे ईडी के द्वारा, अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों के कैश मिले थे, ज्वेलरी मिली थी, साथ ही साथ जमीन के दस्तावेज मिले थे, प्रॉपर्टीज के तमाम दस्तावेज मिले थे। अगर इस चार्जशीट को देखे इन तमाम बिंदुओं को इसमें दर्शाया गया और ये बताया गया है कि जो क्वालिफाइड लड़के बच्चे थे, जो छात्र थे, उनको नौकरी न देकर उनकी जगह पर किस तरीके से दूसरों को जॉब दिया गया और एवज में किस तरीके से पैसे जो हैं वो लिए गए। तो जाहिर तौर पर अगर इस पूरी चार्जशीट की बात करें तो 2014 का जिक्र किया गया है, टीईटी जो क्वालिफाई जो कैंडिडेट थे उनकी जगह पर किस तरीके से पूरे मामले में घालमेल हुआ, इन तमाम चीजों का जिक्र जो है वो किया गया है। खासतौर पे अगर इस चार्जशीट की हम बात करें तो हमने देखा था कि जब ईडी ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और ईडी ने जब रेड किया था तो अर्पिता मुखर्जी के 2 घरों से करोड़ों रुपए मिले थे। जाहिर तौर पर अगर चार्जशीट की मुख्य बिंदु की हम बात करें इसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है कि किस तरीके से पार्थ चटर्जी जो है वो अपने जो जो पैसे थे उनको रखने के लिए अर्पिता मुखर्जी के घर का इस्तेमाल करते थे, इन तमाम चीजों का जिक्र जो है वो इसमें किया गया है। और कैसे, देखिए अनुज, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये 6 संस्थाएं जिनका बाकायदा जिक्र किया गया, इन 6 कंपनियों का, उनका इस्तेमाल किया जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देखिए, ये पूरी की पूरी बातें हैं जो इस चार्जशीट में यहाँ पर लिखी गई है, वो भी एक बार अपने दर्शकों को देखिए, यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल वो जो कॉपी चार्जशीट की यहाँ पर नवभारत के पास है वो जरा आपको हम बताते हैं। ये दायर जो यहाँ पर ईडी की ओर से की गई है, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं वो जरा आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। अनुज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम यहाँ पर एक बार फिर रुख कर लेंगे। देखिए, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस एलिगेशन चार्ज अमाउंट इन्वॉल्व्ड अंडर पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में देखिए कौन कौन से ऑफेंस है, एलिगेशंस हैं जो लगाए गए हैं। दैट इट इज रिवील्ड फ्रॉम द सेड एफआईआर दैट द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वाज हेल्ड ऑन 11/10/2015 को, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट यहां पर हुआ था, अक्यूज्ड पर्संस इलीगली गेव अपॉइंटमेंट्स टू द इनएलिजिबल कैंडिडेट्स बाय करप्ट मींस। जो लोग यहां पर लायक ही नहीं थे, एलिजिबल ही नहीं थे,
उनको बाकायदा अपॉइंटमेंट्स दे दिए गए। प्राइमरी टीचर्स जॉब्स हैव बीन परचेज्ड इन लियू ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, पैसा लेकर। सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि पैसा लेकर यहां पर नौकरियां जो है वो दी गई थी। ये वो बहुत मुख्य बातें हैं जिनको लेकर देखिए निशाने पर पार्थ चटर्जी आए, अर्पिता मुखर्जी आई, और जब जांच बढ़ी तो आपने देखा कैसे करोड़ों का कैश यहां पर देखने को मिला।